बच्चे डे 22 में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अलोंग विद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ मेनी एप्लीकेशन, हैज़ बायो फार्मास्यूटिकल्स, थ्रियोपिटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट्स एंड एनर्जी प्रोडक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है इतनी चीज़ों में यूज़ होती है। एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट को रिफाइन करने में उसमें यूज़ होता है, बायो रेमेडिएशन में होता है, प्रोसेस्ड फूड में जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें बायोटेक का यूज़ होता है, मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती है जैसे गोल्डन राइस बनाते हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक में हम लोग किसी डिजीज़ को जैसे हमारा PCR टेक्निक होता है ऑन ऑल दिस, थ्रियोपेटिक्स में जैसे टॉपिक रेडिएशन वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें उसमें बायोटेक का यूज़ होता है, और बायो फार्मास्यूटिकल पूरे लाइफ के रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स हैं वो सब बायोटेक के अंडर ही आती हैं। ठीक है, अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ थ्री क्रूशियल रिसर्च आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स आर इंजाइम। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया है, बहुत अच्छे इंजाइम बनाए हैं, बहुत अच्छे बायो कैटलिस्ट बनाए हैं जो आगे हमें हेल्प करते हैं नॉर्मल लाइफ को सर्वाइव करने में। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशंस जैसे हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, जैसे ई कोलाई की सर्वाइवल के लिए एक बायो रिएक्टर बनाया, तो वो क्या एक बायोटेक्नोलॉजी का ही तो है पार्ट। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे सबस्टेंस को प्योरीफाई करना है हमने, DNA को RNA से सेपरेट करना है या प्रोटीन्स को DNA से सेपरेट करना है, वो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम लोग जो प्योरीफिकेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं एंड सेपरेशन करते हैं, तो वो डाउनस्ट्रीमिंग टेक्निक्स भी जो है वो इंटररिलेट करती है किसको, बायोटेक को। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ये बोल रहा है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर की बात हम करें, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है इट यूज़ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड एक्सपेंसिव काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बायोटेक का यूज़ हुआ, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो होता है। दूसरा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विच इज़ एक्सपेंसिव, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जीन एक्सचेंज करना है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीन अच्छा जीन निकाल के दूसरे प्लांट में डाल दो, तो प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एनिमल्स हूज जीन्स आर अल्टर बाई मैन्यूपुलेशन, अल्टर बाई मैन्यूपुलेशन ऐसे भी होता है बेटा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इन प्लांट्स, इट टेक क्रॉप मोर टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस कोल्ड, है ना, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है वो ड्रॉट, साल्ट, हीट, स्ट्रेस, एबायोटिक टॉलरेंस हो जाती है उसमें, है ना, स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है प्लांट। ठीक है, और बोलता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो जाएगा, पेस्ट से उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपने आप की ग्रोथ वो जो है वो दे ही देता है, एडवांटेजेस यही GMO की। इट रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब होता है कि जब हम खेती को इकट्ठा करते हैं तो जो हमारा लॉस जल्दी गिरने का होता है ना, खेत खराब हो जाता है हमारा क्रॉप, तो उससे उसका हमें थोड़ा लॉस कम पड़ जाता है। ठीक है, दूसरा, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज ऑफ प्लांट, तो जो GMO होता है तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इट इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड दैट इज़ गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस। ठीक है, इट इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, टू क्रिएट जैसे बता रहा है, टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स स्टार्च फ्यूल फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा। ठीक है, और जैसे हम लोग इधर बात करें बच्चे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हमारे पास एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड, इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा,
बीटी कॉटन। सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थुरिओजेंसिस हैव प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक कोलियोप्टेरेंस बीटल, लिपिडोप्टेरेंस टबैको बडवर्म आर्मी वर्म एंड डाइप्टेरेंस फ्ली मॉस्किटो। बेसिलस थुरिओजेंसिस फ्रॉम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल ड्यूरिंग फेज दिस ग्रोथ इज डज नॉट किल द Bacillus as it exists is inactive protoxin. When an insect, the toxin it become active due to alkaline pH of the gut which solubilize the crystal. Toxin bind to surface mid-gut epithelial cell creating pores. It causes cell swelling and leases of death of the insect. Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the crop plants such as cotton. Most Bt toxin are insect group specific. They are coded by cry genes, that is protein encoded by cry egg, cry IAB genes control cotton bollworm proteins, cry 1AB genes control by corn borers. ठीक है बच्चे, तो इनमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। एक होता है हमारे पास RNA interferences. RNA interferences जो है ये आपको मैं बता देता हूँ, RNA silencing भी इसको हम बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, निमीटोट रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स। देखो निमीटोट मेलोडिना इनकॉग्निशिया, मेलोडिना इनकॉग्निशिया इनफैक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स काजिंग रिडक्शन इन यील्ड। ठीक, इट कैन बी प्रिवेंट बाय आरएनए इंटरफेरेंसेस स्ट्रेटजी। आरएनए मेथड सेलुलर डिफेंस ऑफ यूकेरियोटिक ऑर्गेनेल, इट प्रिवेंट ट्रांसलेशंस स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसेस। देखो जी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाए, आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, करेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आरएनए से प्रोटीन को आरएनए साइलेंसिंग किया जाता है, उसको आरएनए साइलेंसिंग, तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है, उसको आरएनए साइलेंसिंग। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो करेक्टर ही एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो डिजीज ही नहीं होगी। ठीक है, इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो द सोर्स ऑफ, बोल रहे, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए टू फॉर्म इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजंस दैट रेप्लिकेट बाय आरएनए इंटरमीडिएट आइसोलेट निमिटेड स्पेसिफिक जीन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम वेक्टर। इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, दीज आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री सो दे फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड। इट इनिशिएट आरएनए साइलेंसिंग द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ निमेटोड, थस द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक आरएनए इंटरफेरेंसेस इंटरफेरिंग। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ है जो आपका एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर में आप लोगों ने सीखा। कल हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कल हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ इन मेडिसिन्स। ठीक है बच्चे, थैंक यू।